हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं गाइस गार्डन ऑफ बन बन 3। तो ये थर्ड पार्ट होने वाला है इसका। फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा, इसलिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट की वीडियोस देख लेना। चालू करते हैं हम लोग गाइस थर्ड पार्ट के साथ। और हर पार्ट के स्टार्टिंग में यही आता है यार ये टाइम वाला सिस्टम, और जैसे जैसे टाइम आगे जाता है एक आध चीज़ गायब हो गई है यहाँ पर सामने। ठीक है, पिछले पार्ट का मुझे याद नहीं कि गायब होती है कि नहीं, लेकिन इसमें तो गायब भी हो गई और बीच में कुछ ड्राइंग्स भी आ गई है। और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं वहाँ जहाँ पे हमने पिछला ख़त्म किया था। तो ये शायद इसी लिफ्ट में ख़त्म हुआ होगा और ये नीचे इधर आई होगी फिर। और ये है न्यू कैरेक्टर गाइस कंगारू। तो ये हमारा न्यू है मॉन्स्टर जो कि होने वाला है, पता नहीं इस वाले पार्ट में आएगा कि नहीं। और साथ ही में यहाँ पे एक बटन दिया है लेकिन मेरा ड्रोन चल नहीं रहा है, जबकि ड्रोन यहीं पे है लेकिन चल नहीं रहा है। शायद से कुछ रिमोट में दिक्कत आई होगी, तो ये रिपेयर करना पड़ेगा हमें। और इधर कुछ कंप्यूटर्स रखे हैं गाइस, पता नहीं किस काम के हैं ये। अच्छा, आवाज़ आ गई है। अच्छा, जाइंट एलिवेटर क्रैश, हाँ ऐसी कुछ हुआ था, एलिवेटर क्रैश हुआ था शायद से। हाँ भाई, ये वही बोल रहा है ना रेड वाला, इसने मारा था हमारे सर पे लेकिन फिर सॉरी भी बोल रहा था बाद में। अब पता नहीं, मैं इस पर ट्रस्ट तो अभी भी उतना नहीं करता हूँ। शायद से ये हमारे साथ हो, शायद से अगेंस्ट हो, लेकिन मेरे को अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। तो सर्वेलेंस रूम के अंदर खुद को बंद कर लिया इसने, बहुत बढ़िया, ये सही किया। लोएस्ट फ्लोर पे हैं हम लोग, ठीक है एलिवेटर के। As for your children, I don't know exactly where they're being kept, but I know someone who does. Head to the aquatic sector. That's where he resides. Aquatic sector की तरफ जाना है हमें। Find 2 batteries. अच्छा ठीक है गाइस, 2 बैटरी, एक तो ये रही, ठीक है इसको उठाते कैसे थे, अच्छा ई से उठाते थे, और एक मुझे लग रहा है ऊपर कहीं पे होगी, हमें ढूंढनी पड़ेगी। और ये बड़ा सा जो पेड़ है ये गाइस मुझे हर पार्ट में दिखा शायद से, क्योंकि ये पेड़ बहुत ही बड़ा होगा। ये बंदा तो नहीं है क्योंकि ये हर जगह निकलता है यार, ये पेड़ ही है वैसे इतना बड़ा। यहाँ पे दिख गए मुझे दूसरी बैटरी, और अब मेरा ड्रोन का काम हो जाएगा। और साथ ही मैं उस बटन को दबा सकता हूँ मैं। ये टेप चाहिए मुझे इधर एक, ठीक है इस टीवी को चलाने के लिए टेप चाहिए, लेकिन मेरे बटन का काम ज़रूर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों बटन दबाते हैं तो शायद ये गेट खुल ही जाएगा। तो इस गेट के पीछे क्या है गाइस, ये तो कुछ कैंटीन टाइप में लग रहा है। एक टीवी रखी है यहाँ पे, ये क्या है, क्रेयॉन्स और ड्राइंग। भाई ये क्रेयॉन्स मुझे लग रहा है उठा सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी इसकी स्पीच ख़त्म होने के बाद उठाएंगे। ये देखो गाइस यहाँ पे और मॉन्स्टर्स की ड्राइंग बनी है जो कि सेकंड पार्ट में थी, लेकिन इस बार थोड़े एक्स्ट्रा आ गए। हर बार पता नहीं कैसे एक्स्ट्रा आ जाते हैं। इधर जाना है क्या, 2 इधर भी कुछ है, रुको यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे भी ड्राइंग बनी गई, पीला बर्ड की ड्राइंग बनी है, सामने भी कुछ लिखा है। और ये क्या है यहाँ पे, येल्लो की कार्ड लगेगा क्या, कोई है तो नहीं अंदर, नहीं है, येल्लो की कार्ड तो नहीं खुलेगा। यहाँ पर क्या है, अंदर जा सकते हैं क्या। क्लीनर चेक्स आर रिक्वायर्ड बिफोर एंड ऑफ शिफ्ट, ऑडिटीज आर टू बी ड्रॉप्ड। अच्छा इधर ये देखो क्रेयॉन्स और एप्पल्स, ठीक है गाइस मैं समझ गया, क्रेयॉन्स और ये जो कचड़ा पड़ा है ना यहाँ पे, ये हमें साफ़ करना है। तो यहाँ पे जितने भी, ये देखो गाइस यहाँ पे देखो, अभी ये जो क्वीन बाउंसेलिया है ये नहीं आई है, ये नहीं आया है, कैप्टन फिडल्स शायद से, फिर ये शेरिफ टोडस्टर नहीं आया है, बाकी सब आ चुके हैं, स्टिंगर फ्लिन भी नहीं आएगा इस, ठीक है ना। तो हम लोग पहले ना अपना जो कचरा है ये इकट्ठा करके उस गड्ढे में डालते हैं, तो फिर हमें कुछ मिलेगा। मुझे लग रहा है वहाँ से एक टेप या कुछ वो निकलेगा, क्या बोलते हैं जो भी वो मिलता था हमें, वो मिलेगा हमें, उसके बाद कुछ करेंगे। लेकिन ये सारे जो क्रेयॉन से उसके लिए मुझे ये साफ़ करने पड़ेंगे अलग अलग जगह। देखो यहाँ पर बिखेर के रखे, पता नहीं कौन ड्राॅइंग करके गया है इतनी सारी, ये पीला वाला, उसके बाद और क्या है पता नहीं कितने, ये तो इन लोगों ने बताया नहीं, मुझे खुद से ही देखने पड़ेंगे। कोने के तो मैंने साफ कर दिए गाइस, यहाँ पे कोने में देखो एक भी नहीं बचा होगा ना, ये बीच वाले बचे हैं बस, ये और
कौन सा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है। टेबल के ऊपर भी देखना पड़ेगा गाइस, अगर इसके ऊपर कुछ होगा और मेरे से छूट गया तो फिर मिशन पूरा नहीं होगा। नहीं, टेबल के ऊपर तो लग नहीं रहा कुछ है वैसे। एप्पल पता नहीं, ये क्लेयर वॉस हेयर, मैं क्लेयर को ही ढूंढ रहा हूँ क्या? मुझे खुद नहीं याद कि क्या नाम था जिसको हम लोग ढूंढने आए हैं इस गेम में। ठीक है गाइस, तो इतना ही है लग रहा है, यहाँ पे एक ही ड्राइंग थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। चलो इन सब को अब डालते हैं गाइस, इस गड्ढे में डालना है ना। हाँ ये जा तो रहा है, तो इसमें सारे क्रेयॉन्स डाल देता हूँ। चलो ये डाल दिए मैंने, पीछे यहाँ पे येल्लो की कार्ड रखा है जिसको हमें डालना है इसमें। नहीं इसमें से तो आएगा लग रहा है ना, हाँ इसमें आएगा, ये रहा, इसमें डालना है। अ क्लीनर हैज़ बीन डिस्पैच, ये क्या है? ओह मुझे लगा गाइस कोई मॉन्स्टर आ गया, भाई भाई डर गया था मैं यार। ये मशीन की आवाज़ कैसी रखी इन लोगों ने, डरा ही दिया पूरा। अच्छा ये चेक कर रही है मशीन कि मैंने अच्छे से साफ़ किया है कि नहीं। इसी को बुला लेते ना तो पहले, फालतू में मेरे से इतनी मेहनत करा दी, यही बता देता। कुछ नहीं होगा भाई, सारा मैंने साफ़ कर दिया है पूरा नीचे तक, ये देख लो कुछ नहीं मिलने वाला इसको, अब वहाँ से अंदर चले जाएगा। ठीक है ये तो अंदर चला गया है अब। अच्छा यहाँ से की कार्ड निकलेगा ना, ओके यहाँ पे तो करेक्ट है गाइस, क्या लिखा है, ओके की कार्ड यहाँ पे आ चुका है, ये उठाया और चलते हैं पता नहीं किधर, इस साइड से चलते हैं ना, यहीं से तो अंदर आए थे हम लोग, कहाँ जाना है यार समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है काम करते हैं, जहाँ से आए थे वहीं जाना है क्या? हाँ चलो वहीं चलते हैं। ओ भाई यहाँ पे वो खड़ा था ना ब्लू वाला, यार देख के डर गया मैं अचानक से, पता नहीं कैसे आ गया। अब हमें कहाँ जाना है, लेकिन यहाँ पे एक और रास्ता तो है वैसे। अच्छा मुझे यही की कार्ड मिला था ना पिंक कुछ, शायद से यही तो मिला था, ग्राउंड सेक्टर। ये ना लिफ्ट जैसा है मुझे लग रहा है, ये चालू कर देते हैं, लेकिन ये चल ही नहीं रहा कहीं, ये चलता कैसे यार? वहाँ दूर दूर कुछ दिख रहा, अच्छा ऊपर है क्या? ओके तो इसको दबाना है, नहीं साइड, चारों साइड है गाइस, आगे वाली साइड मैंने कर दिया। ठीक है तो ऐसे जाएगा, जिस साइड की लाइट दबाएंगे हम लोग मतलब की कार्ड, उस साइड जाएगा ये। तो अभी हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, ये आ गए हम लोग गाइस प्रोग्रेसिव सेक्टर में शायद, और यहाँ पे एक टोपी पड़ी है और मुझे लग रहा है यहाँ पे नहीं आना था मेरे को। हाँ गाइस अभी ये वाला गेट नहीं खुल रहा है, हम लोग जाते हैं दूसरी वाली साइड पे। तो अभी आया हूँ मैं राइट वाली साइड पे गाइस, और यही है वो सेक्टर जिसमें उसने बोला था हमें आने के लिए, है ना, यही है एयरबोरियल एक्वेलिक क्या है तो लिखा है सेक्टर। और यहाँ पे एक एक्स बना येल्लो ग्लास, ये सब ब्रेकेबल मटेरियल। अच्छा ये वाला तो मुझे आता है, ठीक है पहले मुझे ड्रोन यहाँ मारना पड़ेगा, है ना, फिर यहाँ से यहाँ और वहाँ से फिर ये वाला कांच मुझे तोड़ना पड़ेगा। ठीक है ये वाले एक्स पे मारूंगा और ये कांच टूट जाएगा गाइस, बढ़िया। चलो अब ये, अरे यार ये कांच से फंस गया मैं, ये कैसे, अच्छा ठीक है हट गया। अब अंदर चलते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा, ये पड़ा है ऑरेंज की कार्ड मिल गया हमें, इसे उठा के चलते हैं बाहर। अब ये रास्ता क्या है गाइस, देखो यहाँ पे है स्टिंगर फ्लिन, ठीक है यहाँ पे अलग है, यहाँ पे वो तीन गेट है यहाँ पे। अब कौन से गेट में जाएंगे इस, ये तो खतरे का लग रहा है, और ये वाला गेट मुझे सबसे सेफ लग रहा है, इस वाले गेट में चलें पहले। चलो इस वाले गेट में चल कर देखते हैं, क्योंकि जिसमें दिख रहा है ना उसमें जाके देखते कि क्या है, कुछ खतरनाक तो नहीं होगा इसके अंदर गाइस। यहाँ पे लिक्विड पड़ा है क्या, ये इस पर चल तो सकते हैं ना, आउट नहीं होगा। यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे टीवियाँ रखी है और ये एक नोट रखा है, वो इनके जो एक्सपेरिमेंट केस बोलते हैं जो उनके नोट, और इसके पीछे एक की कार्ड जैसा है गाइस, लेकिन ये कुछ ऑडियो की कार्ड है, शायद से इसको ड्रोन से मारना होगा मुझे लग रहा है। अरे मेरा ड्रोन कहाँ है भाई, आया नहीं अभी तक। चल यहाँ पे लग जा, कुछ नहीं हुआ यार, ये बटन तो मुझे लगा कि दबेगा, नहीं दब रहा है इसमें कुछ। चलो फिर स्टिंगर फ्लिन ही खोलते हैं गाइस और अंदर चलते हैं भाई। यहाँ पे पता नहीं अभी जेलीफिश कैसा निकलेगा, क्योंकि ये जो गेम का मेन है गाइस वो ये जेलीफिश ही है ना, क्योंकि इसी के पोस्टर लगे हैं हर जगह, तो यही मेन होगा। पता नहीं कहाँ पे नीचे जा रहे हैं गाइस हम लोग, देखते हैं कहाँ जा तो रहे हैं। भाई आ चुके हैं नीचे, बहुत ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पे, क्या इधर, ओ ओ कितना बड़ा है गाइस ये, कितना बड़ा है यार, भाई अंधी बड़ा है गाइस ये बहुत ज़्यादा। मैं नीचे जाऊँ कि नहीं,
सेफ नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि इतना बड़ा शरीर है यार इसका, देख रहे हो आप? और ये क्या है, सो रहा है क्या? मेरा ड्रोन क्यों नहीं आ रहा यार? मैंने सोचा कि मेरे ड्रोन से इसको मार के जगाता हूँ, लेकिन मेरा ड्रोन पता नहीं क्यों आ नहीं रहा है। हमें उस साइड जाना है मुझे लग रहा है, क्योंकि ये इसका बैक होगा। आगे की तरफ भी कुछ है गाइस, तो हमें आगे की तरफ, वो देखो गेट है, वहाँ जाना है हमें। भाई कितने लंबे हाथ है इसके, क्या निकल रहा है यार ये? यार रुको, कैसे जाएंगे यहाँ पे? अटक नहीं जाऊँ मैं ये? अरे यार अटक रहा है यहाँ से तो। अरे नहीं गाइस, यहाँ से अटक रहा है, कहीं और से जाना पड़ेगा। अच्छा इसके नीचे से जगह है ना जाने की, यहाँ से जा सकते हैं हम लोग। रुको यहाँ से जाता हूँ मैं। भाई बैठ मत जाना मेरे ऊपर वस्तु। रुको अब मेरे को इसकी शक्ल देखनी है, शक्ल तो नहीं दिख रही। यहाँ से थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लंबा। भाई ये क्या है, इसकी आँख है ये? सोर, अरे मैं नीचे गिर गया। अरे जल्दी चलो ऊपर चलो, ये जाग नहीं जाए। भाई इसकी आँख मेरे से बड़ी है गाइस, इतनी बड़ी आँख है इसकी यार, बहुत बड़ा है भाई ये। चलो ऊपर। अरे यहाँ पे एक की कार्ड दिया है, लेकिन ये दब ही नहीं रहा, और मेरा ड्रोन भी नहीं चल रहा। ये क्या लिखा नीचे, कम्युनिकेशन कियोस्क? मतलब कि कम्युनिकेशन कटा हुआ है गाइस इधर, इसलिए मेरा ड्रोन यहाँ पे नहीं चल रहा है। तो ड्रोन से मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, मुझे ये की कार्ड ही खोलना पड़ेगा। मुझे कहीं भी नहीं दिखा यार, मैंने हर जगह देख लिया। अच्छा ये क्या है? ओहो दिख गया मुझे शायद, ये देखो गाइस यहाँ पे है, इसके पीछे छुपा हुआ यार, पहले दिखा नहीं। अच्छा छुपा के रखा था इन लोगों ने, मैं भी सोचूं यार कहाँ से होगा। ये देखो अब हुआ, और मैं फ्रीज हो गया हूँ, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ गाइस। भाई ये क्या, जाग गया ये गाइस? क्या ये? अच्छा ये बोलता भी है। हाँ वैसे तो सभी बोलते हैं इनमें। यही है क्या तो फिर मेन मॉन्स्टर? I cannot let it happen, and I will gladly show you why, but after I do, you take my advice. Leave this place while you still can. Erase it from your memory. Move on and forget any of this ever happened, and I promise you. Tomorrow will be a better day. मुझे बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं क्या ये? और ये बेहोश क्यों हो रहा है यार, इसने कुछ किया है? बेहोश हो गया भाई ये, बीच पे कहाँ आ गया? ये क्या है? ओह भाई ये मैंने सेकंड पार्ट में भी देखा था, और ये बहुत ही खतरनाक है, और इससे बड़ा कुछ नहीं है मुझे लग रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुंह है इसका। और ये स्टिंगर प्लेन यहीं बैठा है क्या? ये तो स्टूडेंट से गाइस, सेकंड पार्ट के उधर भी यही लोग बैठे हैं गाइस। मतलब ये है क्या मेन मॉन्स्टर? और स्टिंगर प्लेन भी इसके अंडर है, क्योंकि ये ही छोटा लग रहा है उसके सामने था, और ये वैसे मेरे बराबर का लग रहा है अभी। Down in the dark and cold depths of the facility, the circumstances force you to do things that are out of your nature. When I feel that I'm straying too far off my original course, I head to the room I found me meditating in to mentally regroup. I come into this. मुझे लग रहा है ये ना कंट्रोल कर रहा है मेरे को, या फिर मैं इसकी मेमोरी में कुछ आ चुका हूँ, कुछ दिखाना चाह रहा है ये, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को। None of this is real. But it all could be. I have never had actual sun rays touch my skin. Can you imagine that? And I yearn for the day that they finally do. I need the children to achieve that. But do not worry. I will practice the safest of procedures. Whatever I decide to do with the adults, I will make sure to keep one alive and safe. ये बोल तो रहा है बच्चों को कुछ नहीं करेगा, और किसी एक पेरेंट को भी सही सलामत रखेगा, ताकि वो बच्चों को बाहर निकाल सके या फिर कुछ बड़ा कर सके, ऐसी कुछ। To live the simple life of a completely brainless jellyfish, just munching on shrimp and avoiding getting eaten by turtles all day. You never appreciate how calming it is to have no conscience until you have one. I admire your courage, so I am giving you the chance to walk away. Take it,
That way you won't lose both your life and the chance to see your child. तो ये मुझे एक चांस दे रहा है गाइस भागने का, लेकिन कैसे भागना है मुझे ये नहीं मालूम, और वैसे भी हम तो बच्चे को छुड़ाने आए हैं तो भाग नहीं सकते। No liver, अब ये कहाँ आ गया मैं भाई, ये तो ओ ये तो डेविल हो रहा है पूरा, ये वही है गाइस पिछले पार्ट वाला जो हमें बता रहा था थोड़ा बहुत, यही है क्या मेन भाई, मेन कौन है मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। Guess I'm going to have to look elsewhere. फिर से उसी जगह पे आ गया हूँ मैं लग रहा है जहाँ पे अभी मेमोरी आई थी। मैं ये मैं हूँ, ये स्टिंगर फ्लिन है, मैं स्टिंगर फ्लिन बन चुका हूँ क्या? अरे मैं स्टिंगर फ्लिन बन चुका हूँ गाइस, तो यहाँ पे मैं शूट भी कर सकता हूँ, और ये वही जगह लग रही है मुझे जहाँ पे हम लोग आए थे गाइस, याद है पिछली बार हमने मिशन किया था वो कैनन वाला, तो इधर मुझे वही मिशन करना है गाइस कैनन वाला जो हमने सेकंड पार्ट में किया था बस, लेकिन यहाँ पे हमें कैनन की ज़रूरत नहीं है, हमारे हाथ से जो निकल रहा है ये क्या इलेक्ट्रिसिटी ये ही काफ़ी है, ये देखो शूट करने से ये ही काफ़ी है गाइस। तो यार मस्त है, फिर तो बहुत ईजी है क्योंकि हमें मालूम भी है क्या करना है, तो जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। चलो ये तो ख़त्म कर दिया गाइस हमने, अब हम इस गेट पे गए थे हाँ पिछली बार, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अंदर एक की कार्ड का है, इसको दबा दिया और शायद वो खुला होगा उस साइड का, है ना? यहाँ पे तो और कुछ नहीं गाइस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं गाइस, ये बहुत तेज़ चल रहा है लेकिन, और इसकी जंप भी यार बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है बंदे की। तो चलते हैं आगे, यहाँ पर बहुत अंधेरा हो रहा है लेकिन कुछ ख़तरनाक नहीं हो। इसके आगे क्या हुआ था मुझे याद नहीं वैसे बहुत, अरे इधर तो वो सेलाइन सलीना क्या नाम है इसका, ये स्नेल, अच्छा इसको नहीं पकड़ेगी ना ये तो इसके साथ वाला है गाइस, तो बच गया चलो बढ़िया। लेकिन ये कह रही यू नीड टू हाइड दे आर कमिंग, मतलब ये लोग भी किसी से डरते हैं क्या, या ये मेरी बात कर रही है? भग गई भाई ये तो, फिर से अंधेरा छा रहा है। और इस बार कहाँ पे आया हूँ मैं, शेरिफ टोडस्टर मिशन, टोडस्टर्स जेल है क्या ये पता नहीं कहाँ आ गया हूँ इस बार मैं, और इस बार मैं क्या हूँ गाइस, अच्छा इस बार तो मैं ही हूँ ठीक है। तो क्या करना है हमें, क्या लिखा ये, द प्लेस ऑल क्रिमिनल्स ट्रेम्बल व्हेन दे हियर अबाउट इस कैचिंग क्रिमिनल्स कैच देन क्रिमिनल्स, अच्छा ये जेल है, यहाँ पे हमें 10 क्रिमिनल्स पकड़ने गाइस, लेकिन यहाँ पे क्रिमिनल जैसा कौन दिख रहा है, ये तो नहीं है, ये डब्बा ये बकेट ही लग रहा है, अच्छा यही है क्या, अच्छा तो ये मुझे 10 कलेक्ट करने हैं, ये तो मैंने यार यहाँ पे भी देखा था, अच्छा ये रहा ना ऊपर यहाँ तक पहुँच जाएगा हाथ, चलो बढ़िया 3 पकड़ लिए, तो ऐसे मुझे 10 पकड़ने हैं टोटल, ठीक है अभी पकड़ते हैं। ये यहाँ पे एक रखा है, चौथा हो गया ये क्या हो रहा है, चलो ये ले लिया। उसके बाद पेड़ वेड़ में तो नहीं है ये, लोटस के अंदर भी हो सकते हैं, ये क्या है ये इसके अंदर फंसे हुए, नहीं इसके अंदर नहीं है ठीक है, पेड़ के ऊपर नीचे नहीं है, इधर कहीं पे यहाँ भी नहीं है, यहाँ कोई बैठा है ये पकड़ लिया, यहाँ पे भी बैठा है ये पकड़ लिया, उसके बाद ऊपर चलते हैं यहाँ पे ये पकड़ लिया, और फिर ये रहा ये क्या है, बॉस रूम, अच्छा ये बॉस है, लो इसको भी पकड़ लिया क्रिमिनल्स के बॉस को, और ये क्या है रो यहाँ से यहाँ ये कहाँ जाएगा, ऊपर रखा है क्या कोई, मुझे लग रहा है अभी भी एक या दो छूट गए हैं ना, कहाँ है ये, उस साइड हो सकते हैं वैसे वो, हाँ मैं गया नहीं अभी तक, हाँ यहाँ रखे हैं दो तो ये हो जाएंगे कंप्लीट इससे, लेकिन उधर क्या है गाइस, वहाँ मैं नहीं जा सकता क्या अभी, ये लो ये दो कर लिए मैंने, अभी पहले इनको जेल में डालते अपन, चलो रे सब के सब अंदर जाओ जल्दी से, एक और दो तीन पता नहीं कितने ही है, सारे दबा दिए मैंने तो, और अब क्या, अब कुछ नहीं, कुछ मिलेगा नहीं क्या, क्या हुआ ये समझ नहीं आया मेरे को, अच्छा ये की कार्ड रखा है ना यहाँ पे, चलो ब्लू की कार्ड मिल गया है, और इससे चालू होगा यहाँ पे कोई सा गेम है पता नहीं, पढ़ा तो था अभी मैंने, इसको इसमें डालते हैं, और इधर लिखा था प्रेस मी, और इधर लिखा था फॉलो द लाइट ट्रेल्स है ना, तो ठीक है चलो,
कहाँ फॉलो करना है भाई ऐसे सीधा चल चल के, ये लो यहाँ फॉलो कर लिए क्या? अरे यार गलत कर दिया। नहीं गाइस ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, जंप मारना है शायद से, है ना? रुको फिर से करते हैं ये। चलो कहाँ है लाइट ट्रेल, कहाँ है लाइट ट्रेल, कहाँ है? अच्छा ये रही, ये रही, ये रही भाई, ये लो जंप मार दिया। नहीं यार ऐसे नहीं है क्या? जल्दी चल जल्दी चल, और ये जंप मार दिया ग्रीन वाले में। फिर गलत, गलत कर रहा हूँ क्या कुछ? यहाँ पे क्या करना है यार? फॉलो द लाइट ट्रेल्स, ठीक है, एंड जंप ऑन द लाइट्स एज दे अपियर। ये लाइट ट्रेल पे जंप मारना है क्या? अच्छा वो आवाज़ तो आ रही है, ठीक है। ये लो ये लो, ये भी मार दिया, ये लो ये भी मार दिया, ये लो ये लो, अब सही कर रहा हूँ ना? हाँ ठीक है, ये लो ये क्या पीछे आ गया फिर से? लो फिर लो फिर लो, ये लो ये 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 और ये। भाई ये क्या है, कितनी है? एक ही बार आती जा रही है। अच्छा फिर पीछे, चलो ठीक है फिर पीछे, ये येलो ग्रीन हो गया, अरे फिर ऑरेंज, अरे भाई क्या है? मैंने कुछ तो गलत किया है गाइस, क्योंकि आधे घंटे में कूदा हूँ, कुछ हुआ नहीं से, और लाइट उस साइड कहाँ आ रही है? अरे यार ये वाला पार कर दिया क्या मैंने? इस साइड से करते हैं गाइस, क्योंकि वो वाला तो मैंने कर दिया है मुझे लग रहा है। ठीक है यहाँ से हमें जाना है गाइस फॉलो करते हुए। ये भाई गायब हो गई, लेकिन सही दबाइए। अच्छा शायद गायब हो जाएगी, लेकिन मुझे करेक्ट दबाना है तो मैं कंप्लीट कर दूंगा। एक दो तीन और चार, फिर एक दो तीन, और ये हो गया। चलो भाई क्या था समझ नहीं आया, लेकिन कर दिया हमने। अब क्या है? अच्छा वहाँ का कोई सा गेट खुल जाएगा, ठीक है। और ये किधर आ गया? मैं ये जगह तो देखी देखी से लग रही है। अच्छा यहाँ पे ये गेट बंद था इधर, लेकिन गाइस एक गेट खुला हुआ है, मैं जाऊँ के अंदर? बहुत ज़्यादा अंधेरा है लेकिन। अच्छा ये कुछ बोल रहा है। See Nab-Nab's room? It's open now, which means he's inside. He's on the hunt. अच्छा नब-नब इसके अंदर है अभी, लेकिन नब-नब कौन है? स्पाइडर? क्योंकि नब-नबीला ना भाई, क्या नाम है? नब-नबीलीना, नब-नलीना। अच्छा नब-नलीना जो ये ब्लैक वाला है शायद वो है, और नब-नब वो है, पता नहीं भाई कौन क्या है। मैं तो जा रहा हूँ एक बार अंदर देख ही लेते क्या। ठीक है तो यहाँ नहीं जाना था गाइस, हमें जाना है अब दूसरे सेक्टर में, क्योंकि इधर का काम तो मेरा हो गया है मुझे लग रहा है ना। तो हम चलते हैं दूसरे सेक्टर में, अब देखते हैं कौन से सेक्टर पे चलते हैं, किसी पे तो चले। तो पहुँच गए हम लोग मेडिकल सेक्टर में, और यहाँ पे भी एक केस अपडेट रिपोर्ट रखा है, और ये वही इनका है। इसमें कौन है? द डेविल है, और द डेविल तो वही है रेड वाला, तो शायद उसी की बात हो रही है, या तो फिर पिंक है तो ये जो टीचर थी बनबलीना था ना उसका नाम, वो हो सकती है यहाँ पे। देखते हैं आगे चल के किस साइड जाएं, लेकिन इधर एक कमरा खुला हुआ है, पीछे कुछ नहीं है गाइस, यहाँ पे लाइटिंग है थोड़ी। अंदर तो मैं आ गया हूँ। ओ भाई ये तो वही है, क्या नाम था इसका? नब-नबीलीना भाई, क्या था? नब-नलीना यार, ये वही है। मैं फंस गया क्या? नहीं यहाँ पे कुछ बहुत सारा तो लिखा हुआ है गाइस, यही बताएगा अब क्या करना है। Of course, precautions and training can only get you so far, so we had to think of a more permanent solution. Nab-Nalina was that solution. We had a theory that Nab-Nab was as aggressive as he was due to his loneliness. We never got to prove his theory right, as the collapse happened during the surgery. That's where you come in. You'll be carrying out the final steps of said surgery. Givanium-related procedures are very delicate, so I'm going to need you to pay very close attention to these instructions. The hard part is already done. All you need to do is mix the right concentrations and inject her with it about 6 times. The machine with the droplet symbols is where that's done. When it's time, the screen will light up with the symbol of the needed concentration. For simplicity, the concentrations have been represented by colors. Mix and achieve the right concentration. ये क्या बोल रहा है? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। The machine with the colored pipes will occasionally shift to the wrong colors, and when that happens, use the given tongs to revert them all to their normal state of green.
The buttons on the walls will also malfunction at times. When that happens, hit any ones that are lit with your drone. The excess Jivanium that you can find in the room will deplete when anything malfunctions or when a concentration is needed to be delivered. The procedure stops if any of the four depletes completely. And what happens next is never good. Only the best of us perform Jivanium procedures. But we don't have much of a choice. Good luck. देखो मेरे को जितना समझ में आया ना इसकी सर्जरी करनी है हमें शायद से बंदे की ठीक है और यहाँ पर लिखा भी है जैसे कि हमें इंजेक्शन से कुछ डालना है इसमें करेक्टली मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस ठीक है और यहाँ पर लिखा है पावर सप्लाई सारे ग्रीन पे करने हैं वो जो लाइट लगी है फिर पंच करने हैं बटन को जब पंचिंग चाहिए तो वो तो ड्रोन से हो जाएगा ये ड्रोन आ गया ठीक है तो यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन है वहाँ पर लाइट है और ये ड्रोन है और ये है टूल ठीक है ये शायद लाइट ठीक करने का होगा और वो इंजेक्शन डालने का ऐसा कुछ है ना तो यहाँ पे देखो कलर कॉम्बिनेशन भी दिए हुए हमारे रेड प्लस रेड इज इक्वल टू रेड ब्लू प्लस ब्लू इज इक्वल टू ब्लू ठीक है ये तो मैं देख लूँगा ये बटन दबाने पड़ेंगे तो फिर शायद से हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो भी है बन जाएगा तो इस बंदे के पास आते हैं पहले और भाई तेरी दिक्कत क्या है आगे से मुँह देख लो डराना मत भाई खतरनाक हो रहा है तो अरे लेट गया बढ़िया चलो एक और बार अरे बढ़िया पूरा सेट हो गया ये रेडी है सर्जरी के लिए है ना मुंह पता नहीं कौन सा इसका तो चालू करें गाइस प्रोसीजर यहाँ से चालू करते हैं ठीक है तो क्या करना है पहले हमें यहाँ पे हाँ पहले तो पंच कर देता हूँ ये वाला जल रहा है और यहाँ पे ये पंच हो गया और कॉन्सेंट्रेशन बना देता हूँ ब्लू बनाना है तो हमें ब्लू प्लस ग्रीन चाहिए ना लाइट ब्लू के लिए ये बन गया अरे ड्रोन गलती से आ गया ठीक है ये आ गया अब मेरे को लाना है इंजेक्शन और ये इससे निकालना है ये देखो निकल गया और ये इसमें लगाना है माथे पे और अब इस टूल से मुझे अच्छा हाँ ग्रीन करना है इनको ठीक है ना और पता नहीं ये कितना लंबा चलने वाला है गलत नहीं हो जाए बस क्योंकि उसने बोला गलत हो गया तो ख़त्म हो जाओगे तो भाई ये गलत नहीं होना चाहिए जल्दी करो सारे ग्रीन करने और ये अरे यार ब्लू के बाद ग्रीन ग्रीन ये हो गया इसको ग्रीन ठीक है ये ग्रीन और ये ग्रीन और ये ग्रीन हो गया म्यूज़िक खतरनाक हो रहा है गाइस म्यूज़िक से पता चल रहा है अगर मैंने गलती करी तो फिर हो गया रेड प्लस ग्रीन करना है ठीक है रेड प्लस ग्रीन ये हो गया और इसको हमें निकालना है इंजेक्शन से अरे मेरे ड्रोन का बटन नहीं है पहले तो ड्रोन इसमें मारो मारो इस पर चल जल्दी कहाँ है अबे जल्दी आ क्या कर रहा है अबे मारना क्या कर रहा है यार भाई पता नहीं कब आएगा मार दिया और ये निकाल दिया इसमें लगा दिया और ये सारे अब ग्रीन करने भाई जल्दी लिखा यू कैन नॉट हैंडल दिस सस्टेंस विदाउट टूल्स जा ला रहा हूँ ये निकाल के लाया अभी ग्रीन करता हूँ इसको भाई जग नहीं जाए बंदा चल 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 जल्दी कर ये ग्रीन और ये ग्रीन फिर ये ग्रीन ये तो ग्रीन नहीं था क्योंकि छेड़ दिया ये हो गया अरे यार टाइम ख़त्म हो गया लग रहा है मेरे को अब क्या होगा भाई पूरा रेड हो गया और रेड का मतलब मैं सेफ ओ भाई ये क्यों उठ गया लेट गया तू भाई तू पेशेंट है वाह मार दिया इसमें और हो गया ग्रीन हो गया गाइस बढ़िया बढ़िया फाइनली हमने कर दिया है इसकी सर्जरी ख़त्म कर दी मैंने तो ये खुल गया हमारा और इसके अंदर रखिए हाँ ये है गाइस ऑडियो टेप लग रहा है देखो इसमें ऑडियो भी बना है तो अब हमें ओ भाई तू तेरे को मैंने ठीक किया और तू मेरे से ही गद्दारी कर बे भाई भाग गया ये इसको बाद में बताऊंगा लेकिन अब जाके ना ऑडियो टेप लगा देते हैं अपन लोग और ये भी चालू हो चुका है grab the audio disc and head back to the aquatic sector and play it on the big speaker in the lounge time for a spider union तो ये भी यही बोल रहा है कि हमें ये ऑडियो टेप लगानी है वहीं पे जाके तो चलते हैं वहीं पे तो यहाँ लगाना है हमें ये ऑडियो टेप ये देखो करेक्ट यहाँ पे ऑडियो बना भी है ये लगा दिया और ये क्या हो रहा है अरे गेट बंद हो गया ये क्या लिखा है भाई स्टे अवे भाई स्पाइडर आ रहे हैं गाइस ये देखो ये स्पाइडर आ रहे हैं मुझे खिड़की और दरवाज़ों से दूर रहना है भाई वरना ये खा जाएंगे इसलिए मैं यहीं रहता हूँ छुप के है ना ये देखो एक और आ रहा है दो दो हो गए ये कहाँ जा रहे हैं मुझे देख नहीं ले ये लोग बस और अंदर तो वैसे भी नहीं आ पाएंगे ना भाई इतना बड़ा गेट लगा है इधर छुप जाता हूँ मेरे को देख नहीं ले आप क्या कर रहे हैं लोग क्या तो डिस्कस कर रहे हैं अच्छा ये फिर आ गया I'm surprised they both weren't originally members of the mutants below
They'd certainly fit. This is... इसको किसी ने मारा क्या? ऐसा लगा कि किसी ने इसको रोक दिया. भाई ये क्या है, ये इतना बड़ा हिट और ये अकेला आ रहा है. दूसरा कहाँ है इसका दोस्त? ये कि दूसरा तो नहीं था फिर भाई? ये ब्लैक वाला था ना, और उसको क्या हुआ यार? वो बोल रहा था जो यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है. ये क्या है? हैट पड़ी है. और इधर का काम तो वैसे मेरा हो गया है, तो हम लोग चलते हैं गाइस आगे. प्रोग्रेसिव सेक्टर में जाना पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि सारे काम हमारे हो ही गए. ये क्या है भाई? मैं चल नहीं पा रहा हूँ. ये स्टिंगर फ्लिन, ये स्टिंगर फ्लिन कहाँ से आ गया? अच्छा हाँ, इसने मुझे भागने का मौका दिया था लेकिन मैं भागा नहीं यहाँ से गाइस. और अब लगता है ये मारेगा मेरे को. I won't get rid of you or collect you just yet. I was never one to abide by waste. An old friend needs you a lot more than I do. They too are on a path to achieve peace of mind. I already have more than enough subjects to move forward with my aspiration and my ultimate mental refinement. तो ये मेरे साथ कुछ नहीं करेगा मुझे ऐसा लग रहा है. अच्छा, मुझे फिर से बेहोश करने वाला है ये, और ये अपनी मेमोरी में ले जाने वाला है लग रहा है वापस. इस बार कहाँ आए हम लोग? किसी गाड़ी के अंदर हैं इस बार हम लोग. Hey, अच्छा ये भी है. अच्छा तू भी है. ओ भाई, और ये सामने वो पीला बड़ा, और ये स्टिंगर फिन. ये लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं. So, Stinger, अच्छा बीच पे जा रहे हैं ये लोग शायद. इसके बाद की कहानी दिखाई थी क्या इसने मुझे? ओके, तो ये लोग घूम चुके हैं गाइस. भाई ये क्या है, और मैं कौन हूँ? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बना हूँ. You had one job. अरे भाई इसने भी दे दी बत्ती. गाना लगा रहा है कॉपीराइट. तो गाइस ये दोनों लड़ पड़े हैं और पता नहीं क्या चल रहा है. अरे भाई आगे देख ले आगे. अरे आगे क्या है ये? वो कैक्टस है सामने, देख ले. गाड़ी सीधे देख के चला ले. भाई गए, ठुक गए गाइस. मुझे लग ही रहा था कहाँ तो देख के चला रहा है ये. और ये मैं वहीं आ गया जहाँ से वो स्नेल भाग गई थी, तो मेरे को आगे जाना है गाइस. ये क्या है? ये तो जंबो जॉश का हाथ लग रहा है मेरे को, है ना? हाँ गाइस, ये जंबो जॉश का हाथ है. ये अंदर चला गया, मैं भी जाऊँ? गाइस अंधेरा बहुत हो रहा है, लेकिन भाई यहाँ पे एक की कार्ड है, ये लगा सकता हूँ मैं. ठीक है, ये लगा दिया मैंने. पूरा अंधेरा हो गया है. सामने का गेट खुल चुका है. ये कहाँ आ गया मैं? इसको शूट करना है क्या? ठीक है, ये मारा, इसको भी मारते हैं. ये भी मार दिया. और अच्छा ये साइड के आ गए, ये मार देते हैं, ये भी मार देते हैं. चलो ये लो, ये हो गए. सामने कुछ दिख रहा है मुझे. अच्छा आगे और बटन है गाइस, अभी हमें बहुत कुछ सॉल्व करना है. चलते हैं आगे. ठीक है, तो ये की कार्ड. अरे भाई ये हिलते भी है, ये थोड़ा मुश्किल कर दिया है. करता हूँ लेकिन मैं. चलो ये थोड़ा एडवांस मारना पड़ेगा तो लग जाएगा. चलो अब सेकंड वाला गाइस. ये अरे तो और फास्ट हो गया. चलो कोई नहीं, करते हैं ये भी. अब ये वाला बचा है बस, थर्ड. अरे गाइस ये क्या है भाई, ये क्या है? ये तो तुक्के में हो सकता है. मैं एक ही जगह मारते रहता हूँ, तुक्के में लग गई तो लग ही जाएगी वैसे. चलो तीनों हो गए, बढ़ते हैं आगे की तरफ. रास्ता बन चुका है, और ये वही है गिवेनियम. क्या दिया था हमने उसको सर्जरी के लिए? वही है ये. तो शायद अंदर यही सब होगा. अंदर चल के देखते हैं. ये गेट खुल चुका है. ये देखो इसके कैन रखे हैं बहुत सारे जीवी. और फिर से अंधेरा हो गया. और इस बार कहाँ जगेंगे हम लोग? ये तो बनबलीना है गाइस. ये है इस बार मेरे बगल में. और इस बार मैं क्या हूँ? लेकिन इसको तो मार दिया था ना हमने, ये जिंदा कैसे हो गई? अच्छा जंबो जॉश लेके गया था इसको, और मैं भी वही हूँ शायद जहाँ जंबो जॉश इसको लेके गया था. और ये बोल रही है कि शायद जंबो जॉश की ही बात करेगा इसकी, वो आता है बार बार चेक करने के लिए हमें. लेकिन हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम लोग एस्केप कर सकें. और रूम वैसे का वैसे रहना चाहिए, मतलब हम लोग जो भी चीज़ें करेंगे गाइस
वो चेंज नहीं होनी चाहिए, हमें वापस वैसे ही रखनी पड़ेगी वो चीज़ें, तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो ये गेट बंद है, मुझे याद रखना है, ये मैंने खोला और अंदर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसको बाद में देखेंगे। रुको, यहाँ पे ग्रीन डब्बा यहाँ रखा है, एंड ट्रेनिंग, इधर एक गेट है, रुको यहाँ नहीं जाना मुझे लग रहा है, यहाँ क्या है, ये देखो ये क्या है, ब्लैक ग्रीन रेड येलो, ठीक है इस ऑर्डर पर याद कर लेता हूँ, ब्लैक ग्रीन रेड येलो, ठीक है ना। अच्छा ये हट गए, ठीक है, अच्छा मैं वापस लगा सकता हूँ, ठीक है, ब्लैक ग्रीन रेड येलो ऐसे लगेगा ना, ठीक है मैं एक बार ऑर्डर याद कर लेता हूँ, है ना, फिर से लेगा जमाने में। यू वर कूल इनफ टू एंटर, चाय का कप रखा है, दो डब्बे रखे, इसको उठा लेता हूँ। अच्छा वैसे भी कौन सा उसको अंदर का देखेगा, अंदर आके देखता है क्या भाई, एक बार देखना पड़ेगा। अरे यार लाइट चली गई, ब्लैक ग्रीन रेड येलो, ओके चलो अंदर भाई, यहाँ पे बैठना पड़ेगा इससे पहले वो आ जाए, अभी आएगा वो, और मेरे को देखना है कहाँ से आएगा, वैसे मुझे लग रहा है यहीं से आएगा पीछे से, क्योंकि यहाँ पे खिड़की है और जंबो जॉर्ज जब भी आता है वो बाहर से आता है, वो इतना बड़ा है कि वो बिल्डिंग के अंदर आ ही नहीं पाता है गाइस, ठीक है ये आ गया। अच्छा ये खिड़की से देखेगा गाइस तो इसको अंदर का नहीं दिखेगा, फिर इसको नहीं मालूम कि अंदर से दो डब्बे गायब हो चुके हैं ना, ठीक है मैं समझ चुका हूँ अब। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टास्क की तरफ, ये तो मैंने कर दिया है ना, इसके अंदर कुछ नहीं है। यहाँ पे ये गेट देखो, ये गेट खुला है मुझे याद रखना है, और ये बंद हो गया है, लेकिन इसको मुझे खोलना है अंदर जाके। अरे भाई क्या कर रहा हूँ, ये कहाँ से खुलेगा यार, अच्छा यहाँ से खुलेगा, ठीक है ये गेट खुला है गाइस, याद रखना ये गेट खुला है, तो ये खुला ही रखना है हमें। यहाँ पे डब्बे सजाने हैं, ओके डब्बे सजाना है और इसके ऊपर से जाना है, फिर इसके ऊपर नहीं, यहाँ से नहीं जा पाएगा, मैंने वहाँ से दो डब्बे उठाए थे ना, हाँ रुको यहाँ से, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से, और ये इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, नीचे डब्बा लगाना पड़ेगा मुझे, रुको। यू मस्ट बी ऑन सॉलिड ग्राउंड, अरे यार यहाँ से नहीं लगेगा क्या, नीचे से लगाना पड़ेगा, ठीक है ये लगा दिया मैंने। अब करते हैं ये आए, ठीक है ये आए, ये आए, इसके ऊपर कूदना पड़ेगा, बढ़िया ये उठाया, ये डब्बा उठा लो, चलो बढ़िया, ये दोनों डब्बे भी ले लूँ, ये ले लो और ये ले लो, वो आने वाला होगा इस, ठीक है ये ले ले भाई ये गेट, अरे यार रुको आने वाला है, मैं जल्दी से जाके बैठ जाता हूँ इससे पहले वो आ जाए, ये बैठ गया, देख ले भाई सब वैसे के वैसा ही है जैसा पहले था। चलो इस बार हमें क्या करना है गाइस, इस बार चलते हैं इसमें, ये गेट बंद रहेगा, याद रखना है कि ये गेट बंद था, ठीक है अंदर इसके वो ये है ना चढ़ने का, रुको यहाँ पे सब ऐसा ही है, अंदर चलते हैं और इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा, चढ़ने के लिए यार कहाँ जाएगा, यहाँ पे तीन डब्बे, अच्छा एक के ऊपर एक रख देता हूँ, अच्छा एक के ऊपर एक नहीं रख सकते क्या, ओके तो मुझे एक इसके ऊपर रखना पड़ेगा, इसके ऊपर नहीं यार यहाँ पे, हाँ थर्ड वाले चढ़ सकते हैं, इसके ऊपर दो रखाएंगे क्या, नहीं गाइस इसके ऊपर दो शायद नहीं रखाएंगे, हाँ नहीं रखाएंगे, ठीक है यहाँ पे एक आएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा और इसके लिए यहाँ से जाना पड़ेगा और उसके लिए यहाँ से, ठीक है समझ गया, ये यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा और ये लंबा कूदेगा, फिर यहाँ पे फिर, और यहाँ से डायरेक्ट ऊपर, अरे यार ऐसे ही जाएगा ना, मेरी जंप थोड़ी ख़राब थी मुझे लग रहा है, जा सकता है शायद, चल भाई इस बार कूद जाना, ये अरे कूद गया, अरे भाई वो आ गया, रुको रुको रुको, अरे मैं डब्बे को उठा रहा हूँ, अरे भाई चलो जल्दी से यहाँ पे बैठना पड़ेगा जाके, ठीक है यहाँ बैठ गया, चलो भाई, अरे अरे यार ये गेट तो बंद था ना, मैं उतर नहीं सकता क्या भाई, यार मैं गलत बैठ गया, ये गेट बंद करना था मेरे को, मैं भूल ही गया, अब ये आएगा और देखेगा कि गेट तो खुला है भैया, लो इसने भी बोल दिया, हाँ भाई मालूम है मेरे को, अब गया आ गया, चल इस बार कूद जाना, आ गया कैसे आ गया, ये उठा ले डब्बा और ये सारे डब्बे भी वापस ले आते हैं, मेरे पास टोटल चार डब्बे हो चुके हैं और ये मुझे लग रहा है लास्ट वाले में काम आएंगे, और ये गेट भाई, अरे यार रुक जाओ, ये क्या बोल रही है, कौन सा इक्वेशन भाई, इसको कैसे सॉल्व करूँ अभी यार, इसको कहाँ से सॉल्व करूँ यार, कैसे सॉल्व करना है, एस स्माइल इज इक्वल टू इन्फिनिटी, भाई क्या दबाऊँ, ये तो गायब हो गया, अच्छा हाँ, अरे यार ये टाइम वेस्ट करी गाइस, भाई ये जानबूझ के ब्लैक बोर्ड पे लिख रही है, लेकिन ये क्यों लिख रही है, मेरे साइड है उसके साइड है, ये ब्लैक बोर्ड पे लिख रही है ताकि ताकि हम लोग आउट हो जाए गाइस, गलत है यार ये तो। अब ये लास्ट गेट बचा है गाइस बस, और इसमें कैसे जाएगा मैं समझ गया हूँ, इसके ऊपर एक रख के, इसके ऊपर एक रख के ये अंदर जाएगा, ठीक है और यहाँ पे, अच्छा ये तो ड्रोन वाले हैं, तो ड्रोन मारना है मुझे, ठीक है ड्रोन का है, लेकिन
भाई ड्रोन आ जा। अरे यार ये ड्रोन कहाँ है, इधर मार आके। भाई यार ये ड्रोन कहाँ है मेरी समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे एक डब्बा आएगा गाइस, ठीक है, और यहाँ पे फिर एक डब्बा, और यहाँ पे एक डब्बा ऊपर। मुझे लग रहा है दोनों के साइड कुछ है, की कार्ड है शायद से, यार देखना पड़ेगा। हाँ की कार्ड तो है, लेकिन यहाँ से आएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये गेट नहीं खुलेगा क्या? अरे यार मुझे समझ नहीं आ रहा गाइस, रुको। यहाँ से इधर ये की कार्ड है, ये उठा लेता हूँ अभी और इसको वापस रख देता हूँ, रुको इसका काम नहीं है। वापस चलते हैं और हम लोग बैठते हैं, ये आने वाला होगा। ये डब्बा हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। अरे यार ये आ गया भाई, गेट बंद कर जल्दी से और बैठ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी बैठ जाओ। और अरे यार यार ये ड्रोन, ड्रोन था पहले यहाँ पे, नहीं था ना? अरे यार ये ड्रोन था कि नहीं? ड्रोन पे तो यार शायद नोटिस नहीं करेगा, क्योंकि ड्रोन तो यार मेरे गेम का एलिमेंट है ना यार, रिमोट वाला। भाई प्लीज़ ड्रोन नोटिस मत करना, तू आ रहा है, देखा नहीं, नहीं देखा। अरे बोल ही दिया इसने, गया मैं फिर से। चलो गाइस आ जा भाई, ये लो। इस बार मैंने सही अंदर बुला लिया ड्रोन को, पिछली बार शायद वो डोर पर अटक गया होगा, तो इस बार मैंने बुला लिया है, ठीक है। सारे बटन दबा दूं क्या? ये तो दब ही नहीं रहा। अच्छा ये बटन तो वैसे भी ब्लैक है, ये नहीं दबेगा। अरे भाई ये आ गया, जल्दी चलो वापस। तो पहले हम लोग की कार्ड दबा लेते हैं गाइस, है ना? लेकिन ये की कार्ड दबाने के लिए बहुत एक्यूरेट जम चाहिए यार, क्योंकि ई मेरा दबना चाहिए, इंटरैक्ट का बटन, तभी हो पाएगा। ये आया भाई, इंटरैक्ट का बटन दिखा रहा है लेकिन दबा नहीं पाया गाइस, फिर से करता हूँ, रुको। ये आया भाई, नहीं दब रहा यार ये, इतने में तो हो ही जाएगा, वो आ ही जाएगा। क्या करूँ मैं, इसको दबाऊँ क्या पहले? नहीं गाइस मुझे लग रहा है ये भी करना और वो भी करना है, इसको भी दबा देता हूँ, रुको। ये ले भाई, ये भी दबा दे ड्रोन, आ जा जल्दी। चलो ये भी ग्रीन हो गया, लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं गाइस। ये वाला दबेगा क्या? ये वाला भी तो वैसे ही दबाना है। चल चल इस बार होना चाहिए, हो गया। अरे बढ़िया, बहुत मेहनत लगी गाइस, इतने चक्कर लगाए ना मैंने, इसके बाद जाके हुआ है, अब जाके ये वाला करना है। अरे यार ये डब्बा क्यों उठा लिया मैंने? हाँ वैसे इसके बिना तो होगा भी नहीं, एक जंप में हो जाएगा क्या? हो जाएगा शायद, ये वाला नीचे है ये। अरे यार क्लोज था, शायद हो जाए भाई। ये वाला नौटंकी नहीं करे, अब इसके लिए चार चक्कर नहीं लगाने पड़े जाए यार। हो जाए, हो जाए, हो जाए इस बार, आगे की तरफ। और ये बढ़िया गाइस, हो गया, चलते हैं अब वापस। ये बटन दबाने हमें, ठीक है, ये दब गया। और कौन सा है भाई? गेट खुलेगा नहीं क्या? कुछ रह गया क्या? अच्छा ये वाला बटन रह गया ना, रुको। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला बचा है बस। चला इस पे मार, आ जा आ जा आ जा। और ये हो गया, चल खुल भाई गेट, तू ही है ना? हाँ यही है, ये मिल गया की कार्ड, और चलते हैं जल्दी से। चलो अब ट्रेनिंग एंड करो, हो गया, अब नहीं आएगा ना ये। अंधेरा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है ये? कुछ हिला यहाँ से, क्या है ये? अच्छा ये वाला गेट खुल चुका है, ये तो बनबली ना है, ये कहाँ जा रही है? अच्छा ये मेरे साथ ही है ना, मैं इसके पीछे चलता हूँ। कहाँ है ये? टू जम्बो जोश, अच्छा यहाँ था ये। फिर क्या है? टू सॉलिटरी, टू इतने सारे, ये हैप्पी फिडल, क्या नाम था इसका, पायरेट फिडल, कैप्टन फिडल, पता नहीं कौन सा फिडल, ये कंगारू है। और यहाँ पे अच्छा रेड वाला, यार इसी गेट, अच्छा मुझे याद आया, इसी गेट से तो मैंने इसको मारा था ना, बनबलीना को। बदला लेने तो नहीं जा रही? अच्छा ये है टू बनबलीना गाइस, यहाँ से मुझे लग रहा है वो वाला गेट आता जिसमें ये आई थी निकल के, जहाँ से हो सकता है। और ये मैं आ गया हूँ, ये तो मैं उसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में आए थे गाइस। और ये कहाँ जा रही है यार, इसका पीछा करते रहना पड़ेगा, ये तो लिफ्ट की तरफ जा रही है। मुझे जाना है क्या इसके साथ? नहीं मैं नहीं जा सकता इसके साथ, ये ऊपर जा रही है गाइस। चलो बाय, मुझे नहीं मारा एटलीस्ट इसने। चलो ये तो चली गई लेकिन। और हमें एक टेप मिला था शायद से, वो टेप इस टीवी में लगेगा, इसमें लगा देते। ये क्या है यार, ये तो कोई बच्ची, और ये वाइट कलर की कौन है? बनबलीना है क्या जो अभी ऊपर गई लिफ्ट से? मतलब ये बच्ची ने इसको मारा क्या? ये क्या चल रहा है यार, मुझे जाना पड़ेगा, रुको। गाइस अपन चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर पे, क्योंकि यहाँ का काम हो चुका है, अब प्रोग्रेसिव सेक्टर ही बचा है सिर्फ। ये गेट खुल जाना भाई प्लीज़। चलो खुल गया, बढ़िया गाइस, खुल क्यों नहीं रहा? चलो खुल गया। यहाँ पे क्या है, ये क्या ओपीला बर्ड, टाटा बर्ड, अच्छा इसकी बहन है या भाई ये। और यहाँ पे भी एक गेट है गाइस, ठीक है।
इस गेट के अंदर ओ पीला पर छोटी वाली नहीं, ये डेंजरस हो सकती है, हर बार ऐसे ही खड़े रहते हैं ये लोग, पास जाओ तो मारते हैं। वहाँ पे कुछ लिखा है, ऊपर बैठने का कुछ है, पता नहीं क्या है ये, क्या बेंच रखी है। और ये ओ भाई, ये तो ओ पीला बर्ड है। ओ अच्छा हो मैं इसके पास नहीं गया, ये घूर रही है गाइस, मुझे मालूम था ऐसी कुछ होगा। और इधर क्या है, यहाँ पे बहुत सारे बटन है। अच्छा ये कैलकुलेशन, अंडा इज इक्वल टू, दो अंडे इज इक्वल टू, भाई ये क्या है, अंदर एक गेट है। अच्छा ये वैल्यू लिखिए, देखो एग प्लस एग इज इक्वल टू थ्री, तो एग की वैल्यू हो गई वन, इसकी वैल्यू है टू ग्रीन बर्ड की, और ओपीला बर्ड माइनस ग्रीन बर्ड इज इक्वल टू टू, तो ओपीला बर्ड हो गई फोर, क्योंकि फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू। तो गाइस ये हो गया वन, ये हो गया टू, फोर प्लस वन है ना, फोर है ना ये, फोर प्लस वन इज इक्वल टू फाइव, फोर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, और इधर क्या है, इसकी वैल्यू थी टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर, फोर आएगा ठीक है। और इसका हो गया गाइस वन, फिर थ्री, और ये है फोर। चलो गाइस सारे से निकले, और ये गेट खुल रहा है ओके। ये मिस्टर कैबोब मैन, बी योर सेल्फ नो मैटर द कॉस्ट अनलाइक मी, और ये तो यही है। ये क्या है, इट शुड बी नॉट मूव्ड विदाउट इट्स कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम क्या है भाई इसकी, पता नहीं। ये गेट खोल के देखते हैं, यहाँ पे गेट है, गेट के अंदर एक और गेट, ये भी खोलते हैं ठीक है। गेट के अंदर गेट, उसके अंदर एक और गेट, और आगे भी मुझे यही दिख रहा है भाई। ये लूप है क्या, क्या ये, यहाँ पे कुछ पड़ा है। अच्छा केस अपडेट, ये कुछ लिखा है दीवार में, वॉल्यूम इज इक्वल टू बटन इज इक्वल टू रॉकेट ओके, और रॉकेट डालना है ओपीला बर्ड के मुंह में। क्या ये ओपीला बर्ड है ना, क्या है ये है? चलो चलो आगे देखते, ये क्या है, ये खतरनाक लग रहा है। ये क्या हो रहा है, कोई आने तो नहीं वाला इधर, कैसा हो रहा है गाइस? अरे ये क्या है भाई, ग्रीन मॉन्स्टर, वो भी तीन मुंह वाला, ये क्या जीप उठा रहा है गाइस? अरे मुझे हटना चाहिए यहाँ से, मार दिया रे जीप से। इससे बचने का तरीका निकालना पड़ेगा गाइस अपन को। देखो ये मारेगा अभी जीप उठा के, तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा है ना साइड से, और मैं बच गया। अच्छा इसकी जीप रुकती है यहाँ पे, और यहाँ पे तीन बटन है ड्रोन दबाने वाले। और ये क्या है भाई, ड्रोन लाता हूँ पहले तो यहाँ पे ठीक है। और अच्छा बॉल फेंक के मार रहा है, बच गया मैं ठीक है। इस ड्रोन से वाला बटन को दबाया, और क्या निकलेगा यहाँ से, और भाई यहाँ पे जीप मारेगा फिर से, यहाँ आ जाते हैं ओके। चलो जीप आ गई और मैं बच गया। ये क्या गिरा है, यहाँ पे गिरा है रॉकेट, ये बीच वाला जीप मार रहा है गाइस, और साइड वाले भाई बॉल मार रहे हैं यार। और यहाँ पे क्या है यार, ये देखो कुछ ड्राइंग बनी है, रॉकेट टू ये जीप, ओ समझ गया, रॉकेट गाइस इसकी जीप में जाएगी। जब ये जीप मारता है गाइस, तो इसकी जीप जो है वो रुकती है थोड़े सेकंड के लिए, तब मैं रॉकेट मार सकता हूँ, मतलब इसकी जीप में रख सकता हूँ है ना, अगर इंटरराइट का बटन आएगा तो मैं वेट करता हूँ। जैसे देखो ये अब मारेगा जीप ये, और अब मैं जाऊंगा कूद के, और ये हो गया नीचे ठीक है गाइस, रेडी हो जाओ। ये मारेगा जीप, ये आके मैं साइड में ठीक है, ये कूद के गए और ये रख दिया। चलो गाइस रॉकेट रख दिया मैंने अब ओके, तो उधर वाला बटन एक्टिवेट हो चुका है गाइस, इस साइड आता हूँ मैं। हम लोग को कहीं से भी बस रॉकेट चाहिए, बटन को दबाना है ड्रोन से, और एक रॉकेट बाहर आ जाता है, बस एक रॉकेट और बचा है गाइस। ये आया, ये मैं गया और ये रख दिया, और यहाँ पे धुआं निकलना चालू गाइस, और यहाँ पे तीनों रॉकेट डाल दिए मुंह में, और तीनों मुंह फट चुके, और ये गिर गया नीचे गाइस। अब हमें क्या करना है, लेकिन अरे 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 इतना तेज़ गिरा है ना कि पूरी ज़मीन हिल गई, और ऊपर से एक पटिया भी गिर गया हमारी हेल्प के लिए, और बहुत इतना करेक्ट गिरा है कि मेरी हेल्प हो जाएगी। अब इससे आगे चलते, अरे यार ये क्यों दबा रहा हूँ मैं, रुको ये आए, और यहाँ से हम लोग ये कैप उठा लेंगे। और यहाँ पे भी कुछ रखा है यार, ये तो वही है बड़ा मॉन्स्टर, और ये दो टर्टल वही होंगे, और साथ में पता नहीं कौन थे, रंग बिरंगे बहुत अलग अलग आधे आधे। अच्छा ये दो टोपी ही इसका कॉस्ट्यूम था गाइस, वही मैं सोच रहा था कि कंप्लीट तो लग रहा है ठीक है तो, अच्छा अब ये आके बढ़िया गाइस, लेकिन इससे हमें करना क्या है ओके। तो ये चिल्ला भी रहा है,
ये सीधा जाएगा, इसमें समझ गया, ये सीधा जाएगा उस छोटी बर्ड के पास और वहाँ से हमें कुछ करना है। तो इसको लेके जाता हूँ खींच के वहाँ तक। अब यहाँ से क्या करना है इसका, क्योंकि गाइस ओपीला बर्ड ऊपर ही है, वो देख रही है हमें। अगर मैं यहाँ से जाऊँ नहीं यार, यहाँ से तो देख लेगी, इसका पीछे का दबाऊँ तो चिल्लाएगा तो शायद ही आ जाए। नहीं ऐसे नहीं, ये नहीं होगा गाइस, क्योंकि हमें कुछ और करना है, इसके ज़्यादा पास में नहीं जा सकता। गाइस साइड में लिखा है कि हमें ओपीला बर्ड के ऊपर बैठना है, तो हमें इतनी सी बर्ड के ऊपर बैठना है कि जो ऊपर है उसके ऊपर बैठना है, ओपीला या जो भी बर्ड है। पहले तो मैं इसको जितना पास ले जा सकता हूँ उतना पास ले जाता हूँ, इतने में कि वो अटैक नहीं करे, है ना। इससे आगे नहीं जाएगा क्या? अच्छा इससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है लेकिन, एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे कुछ और तो नहीं है। इसके पीछे का बटन दबा के देखूँ इससे कुछ हो, और ये मेरे पास क्यों आ रही है भाई? मेरे पास मत आ, अरे तेरी मम्मी आ जाएगी, इधर मत आ, तो इधर मत आ, वहाँ जा, हाँ वहाँ भाग। चलो इसको तो भगा दिया, लेकिन अब क्या, क्या वो गई? नहीं गई थी तो अभी भी यही है, तो इसके मैं पास जाऊँगा तो यार ये अटैक कर देगी, क्या करें यार। रुको इसके पास जाके देखता हूँ, अरे इस पर तो बटन आ रहा है, ओके तो इसको पकड़ना है। ये लो पकड़ लिया, वो मैंने पकड़ लिया, अब वो आएगी लग रहा है यहाँ पे, और फिर मैं उसकी पीठ पे बैठ जाऊँगा, है ना, ऐसी कुछ है क्या? रुको गाइस कहाँ है वो, ऊपर से आएगी नीचे से आएगी? ओके नीचे से गेट खुल गया, अच्छा यहीं से आ रही है। भाई कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, अरे रुको रुको, अरे नहीं यहाँ से नहीं करना था, ठीक है। तो हमें इसकी पीठ पे बैठना है गाइस, ऊपर से कूद के, ठीक है, जैसे ही थोड़ी नीचे आएगी इसके ऊपर कूद के मैं बैठ जाऊँगा, लेकिन इसकी पीठ मेरी तरफ होनी चाहिए, है ना, तभी मैं कूद पाऊँगा। लेकिन यार ये बहुत तेज़ आ जा रही है, मुझे जल्दी भागना पड़ेगा। यार यहाँ से कूदने की जगह है कि नहीं, वहीं से कूद जाएगा ना, चल कूद। अच्छा हाँ यहाँ रुक गई थी ये, ठीक है गाइस, तो ऐसे अगर ये थोड़ा रुक जाए तो मैं इसके ऊपर कूद जाऊँगा। फिर आ रही है नीचे, यहाँ से नहीं गाइस, कहाँ से जाएँ, रुको यहाँ से पास आ रही है, अरे भाई कहाँ जाऊँ समझ नहीं आ रहा यार, यहाँ पे चलते फिर से, अगर यहाँ पे नीचे रुकी तो मैं कूद जाऊँगा, ठीक है यहाँ पे, अरे लो आ ही गई, मैं पहले से ही खड़ा हूँ गाइस, जैसी आएगी कूद जाऊँगा। आ जा ये कूदा, और अरे यार कूद गया था, पता नहीं ई बटन नहीं दबा शायद, चलो इस बार हो गया गाइस, आ जा नीचे, और ये कूदा और दब गया, यस गाइस बहुत ट्राई के बाद फाइनली दब गया। कहाँ भाग रही हो, अरे ओपीला बर्ड इधर, अच्छा ये तो पता नहीं कुछ और बर्ड है, इसका नाम भूल गया मैं, ये की गार्ड दबाना है क्या? एम्प्टी योर हैंड फर्स्ट, अच्छा इसको फेंकना पड़ेगा, कहाँ फेंकूँ, अरे यार कहाँ फेंकूँ, ये क्या हाथ बना है क्या इसके ऊपर, यहाँ रख दूँ, ओके इसके ऊपर बैठ गई है, और मैं इस की कार्ड को दबा देता हूँ। अब क्या होगा इधर देखते हैं गाइस, क्या है ये, कुछ हिल नहीं रहा है, ओके तो यहाँ पे ये आ गया फ्लिन स्टिंगर, यही था ना इसका नाम, किस्टिन फ्लिंगर था, जो भी था मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा। अच्छा भाई इसने पकड़ लिया मेरे को, और ये समझ भी गया है कि हमारी हेल्प कर रहा है वो रेड वाला, उसका नाम मेरे को याद नहीं है। First, I was confused by how everything was going perfectly in your favor, despite you never being here before. And then it hit me. समझ गया गाइस ये कि वो मेरी हेल्प, अरे यही तो था वो भाई, इसने पकड़ लिया इसको। Your friend here has helped me tremendously. Thanks to him. अच्छा इसने फिर इसको बता दिया शायद मेरे बारे में, लेकिन ये भी तो हमारी हेल्प ही कर रहा था, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि भाई तू हेल्प कर रहा है। When my turn comes, I will simply prevent myself from turning into what he... वो किस में बदल गया, इसमें ये क्या बन गया भाई ये? अच्छा ये हमारे पीछे आ रहा है क्या? होल्ड W टू स्पीड अप, होल्ड S टू स्लो डाउन, ओपीला बर्ड से बचना है क्या? ठीक है ठीक है, ये क्या लिखा है, पिंक लाइट ब्लू लाइट, अच्छा पिंक लाइट में इसको जाना है तो मुझे यहाँ धीरे होना पड़ेगा, ओके। अरे यार बहुत लेट समझ में आया मेरे को, इतनी जल्दी गया कि मेरे को पढ़ने में ही नहीं आएगा इस, और ये आ गया, ओके तो ये है अब डेविल, मैं समझ गया। लेकिन अब क्या करना है, जब पिंक लाइट आएगी तो इसको रेस जीतना है, और जब ब्लू लाइट आएगी तो मुझे रेस जीतना है, लेकिन मैं इतनी बराबरी में चलता हूँ गाइस कि अगर आगे पीछे हो तो मुझे ज़्यादा डिफरेंस बनाना नहीं पड़े, है ना, तो मैं जल्दी से आगे पीछे हो सकूं, ठीक है। ये आ रहा है, इसको जान दो, पिंक लाइट है नेक्स्ट,
मैं इसके बिल्कुल क्लोज रहता हूँ कि अगर मुझे आगे आना पड़े तो जल्दी से बिल्कुल आगे आ जाऊँगा। अरे कहाँ जा रहा है, रुक जाओ, मेरे को तेज़ होना पड़ेगा। अभी भी बन लाइट है गाइस, इसको जान देते हैं, इसको जान देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक बच्चा भी है, उसको भी संभालना है हमें। ठीक है, इसके बिल्कुल बराबरी पर चल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट कौन सी है, ब्लू लाइट है गाइस, मैं आगे चलता हूँ। इसको बिल्कुल बराबरी पर रहने देते हैं ना, एक कदम आगे पीछे, इतने में क्या होगा, ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। अचानक से कुछ आ गया तो मैं इसको आगे कर दूंगा। ठीक है, अभी फिर से ब्लू लाइट है, हल्का सा आगे रहते, हल्का सा बिल्कुल ही। और ये हाँ ठीक है गाइस, और यहाँ पर डेड एंड आ गया है गाइस। ओके, तो अब वो पीछे नहीं आ जाए। ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं, अरे अरे आ गया, रुक गया लेकिन। अच्छा, इसको स्मेल आती क्या, पैंक्रियास की। अरे भाई, लेकिन अब मैं गया, वो क्या है, अरे जंबो जॉश भाई, ऊपर भग रही है, सही किया बहुत। वो आजी बड़ी, वहाँ से आ जा ऊपर आ जा। चलो, ये जंबो जॉश और इसकी लड़ाई होने वाली लग रहा है, और ये बर्ड ऊपर आके छुप गया और लड़ाई हो रही इन दोनों की। चलो, वो बर्ड भी आ रही है, अरे यार मार दिया उसको और खत्म कर दिया गाइस पंच से। लेकिन फ्लिन स्टिंगर ने बचा लिया इसको, फ्लिन स्टिंगर बचाने आया गाइस, सेवियर, और बंद करने बोल रहा है ये लड़ाई, और अब इससे लड़ रहा है जंबो जॉश, और जंबो जॉश ने इसको मुक्का मार दिया और ये गिर गया। मतलब जंबो जॉश इससे स्ट्रॉन्ग है और वो के नीचे कूद गई, और इसको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, और मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या करना है भाई। यहाँ पे नीचे एक लाइट है, लेकिन मैं नहीं कूदूंगा नीचे। गाइस पीछे एक की कार्ड है, शायद से ये खुल जाए। हाँ ये खुल गया गाइस। चलो नीचे नहीं कूदना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, इन लोग की लड़ाई चल रही। अच्छा, एक बर्ड बची है अभी भी। ठीक है, इसके साथ भागते हैं, और मुझे लग रहा है गेम के एंडिंग में हम लोग आ चुके हैं। फाइंड द किंगडम, फाइंड द शेरिफ, डू नॉट लेट द जेस्टर, भाई डू नॉट लेट द जेस्टर फाइंड यू गाइस। मतलब कि जेस्टर है जो कि शायद फ्रॉग था ना, वो क्या था, टोडस्टर, वही है शायद से मेन विलन, और वो मुझे लगता है नेक्स्ट पार्ट में आएगा, क्योंकि हम लोग अब और नीचे जा रहे हैं गाइस। लास्ट लेवल था वो लिफ्ट का, उसने बोला था इससे नीचे तो सिर्फ बेसमेंट हो सकता है, जहाँ पे एक फ्रॉग रह सकता है या फिर जो भी है वो बंदा। तो यहाँ पे गेम ख़त्म हो चुका है गाइस। तो ये है वो शायद जेस्टर, या जो भी इसका नाम है, टोडस्टर, फोर्थ पार्ट का विलन। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही अमेजिंग हॉरर गेम की वीडियोस देखने के लिए। और अगर मेरे गार्डन ऑफ बनमन की पिछली वीडियो देखनी हो, पिछला पार्ट, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, देख लो दबा के।